चकबंदी का कानून बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे उत्तराखंड का दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उन सबसे बातचीत करने के बाद जो हमारे एनजीओ हैं, जो हमारे किसान हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद इस प्रदेश के अंदर हम कानूनी चकबंदी का रास्ता बनाएंगे।